Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu News discussion जो कि CLAT, A-Lit, CLAT PG, NLSAT, DU-LLB या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। CLAT Point आपको ऑफर कर रहा है CLAT PG, CLAT UG, DU-LLB, NLSAT और भी जो भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देना चाहें उनके क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल आप हमारी एप्लीकेशन पे इनको चेक कर सकते हैं। क्लैट यूजी 2023 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, क्लैट पीजी 2023 के लिए भी हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च है। आप हमारा क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स मंगा सकते हैं जिसमें कि बुक्स एंड इन एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। तो इन सभी में इनरोल करने के लिए आई टोल्ड यू कैसे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से जाके आप पूरा सारा कोर्स का डेमो क्लासेस चेक सब कुछ देख सकते हैं, पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें से कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने बस वही उठाए, बाकी फिर हमने दूसरे न्यूज़पेपर से लिए हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ आई है कि MBBS टेक्स्ट बुक इन हिंदी रिलीज्ड। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने संडे को MBBS की टेक्स्ट बुक जो है वो हिंदी लैंग्वेज में मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दी है। एंड मध्य प्रदेश इज मतलब नाउ मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर मेडिकल एजुकेशन इन दिस लैंग्वेज, मतलब इन हिंदी लैंग्वेज। तो ये एक न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। जी ले आउट चाइनाज विजन फॉर डिकेड एट CPC मीट। आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीट थी उस पर अभी जी जिनपिंग साहब ने बोला है। आपको ये भी पता है कि इनका थर्ड टेन्योर जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा यहाँ से 5 साल के लिए। तो जी जिनपिंग साहब ने जो वहाँ पर ना बहुत सारी बातें बोली वो तो ठीक है, उसमें एक शब्द इन्होंने यूज़ किया, राइजिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स इन एन इंक्रीजिंगली ट्रबुलेंट वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो राइजिंग एक्सटर्नल थ्रेट ये बता रहे हैं, एक्चुअली में तो चाइना से ही सभी को राइजिंग एक्सटर्नल थ्रेट है, बट ये वैसा बता रहे हैं कि चाइना को फेस करना पड़ रहा है इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हमें तैयार रहना है कल को एक्सटर्नल थ्रेट्स और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं उनसे सामना करने के लिए, बट एक्चुअली में ये तो चाइना ही है जो पूरे वर्ल्ड में भैया प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ दिक्कत किया हुआ है। इसके बाद देखिए एक अभी न्यूज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी आई थिंक लास्ट सेशन में या उसके लास्ट सेशन में, कि प्रोफेसर साई बाबा एंड कुछ और लोगों को हाईकोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया था हेल्थ ग्राउंड्स पे, टेक्निकल ग्राउंड्स पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश जिसमें डिस्चार्ज करने का आदेश आया था साई बाबा प्रोफेसर और जो भी इनके साथ में और लोग थे। इनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे कि इनके मायूस्ट जो हैं, जो माओस्ट ग्रुप है, जो बैन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे इनके संबंध थे। तो उसी के ऊपर राइटर ने जो है एडिटोरियल के अंदर क्रिटिसिज्म किया है सुप्रीम कोर्ट का। राइटर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया वो तो चलो ठीक है, लेकिन इतना जल्दी इस मैटर को सुनना ही अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि भाई जैसे ही मामला हुआ अपील करी गई और आपने तुरंत ही इस मैटर को उठा लिया, इसके लिए अलग से बेंच बना दी गई। तो ये जो है राइटर ने यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म किया है, तो क्या करना है अपने को हटाओ। UAPA के बारे में जो है हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से देख लेना। आज मैं ये भी करूँगा कि मैं इस वीडियो के एंड में UAPA की वीडियो अटैच कर दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने डिटेल में डिस्कस किया था लेकिन कुछ आस्पेक्ट छूट गए थे तो वो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सैटरडे में रिजेक्ट कर दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। देखो मैंने आपको कहा था जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देख रहे थे कि भारत जो है ना इसको मना करने वाला है क्योंकि हमारी 107 रैंक डाल दी इन्होंने 121 कंट्रीज में, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जो हमसे मदद लेती हैं उनको हमसे ऊपर डाला हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। लेकिन इन दी एंड आपको पढ़ना तो है जो रिलीज हुआ है। तो इंडिया का 107 रैंक है 121 कंट्रीज के अंदर, सीरियस कैटेगरी में हम आए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइफ के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसके बाद भारत की 2021 में रैंक जो है वो 101 थी। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटली वर्क करती है टैकलिंग पॉवर्टी एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। जो दूसरी आपकी वेल्थ हंगर लाइफ करके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए हंगर इंडेक्स को समझने के लिए। सबसे पहला है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट।
तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इट रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर्स ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है डाइटरी एनर्जी इनटेक जो है उसकी डिफिशियंसी, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है वेट इज लो फॉर देयर हाइट। ये जो इमेज है ना, ये आपको काफी कुछ क्लियर कर देगी। नॉर्मल इंसान, वेस्टेड इंसान, थिनर देन नॉर्मल, स्टंटेड इंसान, शॉर्टर देन नॉर्मल, वेस्टेड एंड स्टंटेड इंसान, थिनर एंड शॉर्टर देन नॉर्मल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया ऑन द इंडेक्स, भारत की क्या है? तो देखो, 100 में से मार्किंग होती है, 100 जिसका आता है सबसे खराब होता है, 0 जिसकी आती है सबसे अच्छा होता है। इंडिया स्कोर इज 29.1, इज द सीरियस कैटेगरी में आ गया है। नेबरिंग कंट्री श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99। ये हंगर इंडेक्स ना अच्छे से कर लेना क्लैट वालों, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजी वालों के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ मैं। अफगानिस्तान की 109 आई है। इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट लो वेट फॉर हाइट जो है इट इज 19.3, वर्स देन द लेवल्स रिकॉर्ड इन 2014 जो कि 15.1 था। ठीक है, अंडर नरिशमेंट क्या है भारत के अंदर? तो 14.6 के परसेंटेज आसपास आई है, टू जो 2018 से 20 के बीच में 16.3 था। ठीक है, 14.6% इन 2018 से 20 टू 16.3% इन 2019 से 21। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी बिटवीन 2014 से 2022। देखो, अगर ये वाले आंकड़े आप याद ना करो ना चलेगा, ये नहीं पूछेंगे। पूछा ये वाला आंकड़ा जा सकता है 29.1, या फिर भारत के अगल बगल की रैंकिंग। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना, चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है, ओवरऑल आंकड़ा आप याद कर लो, कंपैरिजन नहीं भी याद होगा चलेगा। ठीक है, इसके बाद भारत का फॉल आउट का कारण क्या है? तो पहला अभी देखो कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड का ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, यूक्रेन वॉर इज़ एन एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज इज़ एन एग्जाम मतलब रीज़न जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, COVID-19 के बाद इकोनॉमिकली भी काफ़ी सारे लोग सफ़र हुए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बेसिक्स ऑफ GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का बेसिक्स क्या है? 100 पॉइंट स्केल पे इसको किया जाता है, 0 इज द बेस्ट स्केल जो नो हंगर होता है, 100 इज द वर्स्ट। 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये 2017 से लेके 2021 के डेटा को कलेक्ट करके समराइज करके क्रिएट किया गया, तो जो 4 साल इसमें यूज हुए हैं वो ध्यान रखना, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 5 ईयर्स। इंडिकेटर्स क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो अंडर 5 है, इनएडुकेट फूड सप्लाई। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हैं। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज आर पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये तो भाई क्लियर है कि ये नहीं है, तो इसको हटा दो। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं ना, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो दो चीज़ आपने एक तो सीखी, पहले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाला तो सीखा ही सीखा, जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, हमने इस क्वेश्चन से ये भी सीखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल राइट्स टू नेचर, एक अच्छा न्यूज़ है ये। एज द वर्ल्ड इज़ फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज, और बहुत सारी चीज़ें आप चेंज देख रहे हो, बारिश देख रहे हो, फ्लड देख रहे हो, पाकिस्तान में फ्लड देखा, हम कभी भारत में देख रहे हैं कि अब भी बारिश हो रही है बहुत सारे रीजन्स में, जो कि एक अपने आप में थोड़ा सा चेंज है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है। तो इक्वाडोर, बोलिविया, न्यूजीलैंड जो है, इन्होंने नेचुरल एंटिटीज़ को लीगल राइट्स ऑलरेडी दे रखा है, तो इसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। गिविंग लीगल राइट्स टू एंटिटीज, फ्लोरा एंड फोना, रिवर्स, इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप इज क्रूशल टू बिल्डिंग मीनिंगफुल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। मतलब अगर इनको लीगल राइट देंगे तो भाई पर्यावरण अच्छा रहेगा, ये कहने की कोशिश हो रही है। इक्वाडोर जो है ये फर्स्ट कंट्री बनता है वर्ल्ड में जिसने रिकोगनाइज किया था 2008 में राइट्स टू नेचर। इन्होंने कहा कि जो भाई नेचर है, दे हैव ऑल्सो राइट कि फॉरेस्ट, आइलैंड, रिवर्स, एयर, लीगल राइट्स हैं टू एग्जिस्ट, फ्लरिश एंड इवॉल्व। अप्रैल 2022 में इक्वाडोर जो है वो पहली कंट्री ऐसा बन जाता है जो लीगल राइट्स देता है इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स को भी, ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसके बाद बोलिविया जो है, उन्होंने सारे नेचर राइट्स इक्वल टू ह्यूमंस 2011 में दे दिए थे। बोलिविया जो है वो लॉ ऑफ द राइट्स ऑफ द मदर अर्थ की बात करता है, उनको भी राइट दिए हुए हैं।
न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो वांगुई रिवर जो है फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी गिवन लीगल स्टेटस। तो ये कुछ हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। भारत में क्या है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी जो है, ये फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड हैव अ कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 में ग्रांटेड द रिवर गंगा एंड इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना द लीगल राइट टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट बी हार्म्ड। हाउ एवर सुप्रीम कोर्ट स्टेड इट ड्यू टू वेरियस लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960 डू नॉट रिकोगनाइज एनिमल्स एज इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने इंडिया के बारे में जाना कंपेटिवली टू द वर्ल्ड। इसके बाद देखो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे था। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो है वो अक्टूबर 14 को हर साल मनाया जाता है। स्लोगन क्या है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 2018 से इसको स्टार्ट किया गया था वेस्ट इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम के द्वारा। इस साल का फोकस क्या था, होर्डिंग ऑफ स्मॉल अनयूज डेड और ब्रोकन प्लग इन एंड बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतना अपने को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस अपने को छोटा छोटा जो डेट्स वेट्स थी वो याद रखना है। इसके बाद सेवेंथ एडिशन ऑफ आई बी समर अ जॉइंट मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज अमोंग द इंडिया ब्राजीलियन एंड साउथ अफ्रीका नेवीज वॉज हेल्ड एट पोर्ट गबेरा ऑल्सो नोन एज पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका। कहाँ पे है ये देख लो, पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में। ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश विल पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया साइड। तो ये कुछ न्यूज़ थी आज की, कोई बहुत खास चीज़ें थी नहीं। अब जो है मेन चीज़ आपके लिए जो है वो ये है कि UAP मैं साथ में जोड़ दूंगा, वो अच्छे से कर लेना जो कि बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। UAPA क्यों ये न्यूज़ में है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए UAPA से पहले भारत में दो एक्ट थे जिसमें से एक था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और दूसरा था पोटा जिसको प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी बोला जाता था। टाडा जो है 1995 में हटा दिया गया था, वहीं पोटा जो है POTA जो है वो 2004 में हटा दिया गया था। इसके बाद UAPA जो है, अगर आप UAPA का इतिहास देखेंगे तो UAPA 1961 में पहली बार एग्जिस्टेंस में आया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी जी के रूल में। और उसके बाद UAPA जो उस समय था उसका बेसिकली जो मतलब था ना वो आपका सिर्फ एक लिमिटेड वे में था। 2004 में UAPA के मीनिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया और UAPA के अंडर में टेररिज्म एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया। और डिटेल में अभी जानेंगे, उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि UAPA जो है वो तीन बार अमेंड हुआ है, 2004, 2008, 2013 एंड इसमें 2019 वाला नहीं है, वो भी अमेंड हुआ था। सबसे पहले देखते हैं UAPA की फुल फॉर्म क्या है, तो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये जो एक्ट है बेसिकली ये सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज जो भारत के अंदर एसोसिएटेड है उससे डील करता है। 2004 से पहले ये अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेशन एंड सीजन ऑफ टेरिटरी आता था, मतलब विड्रॉल एंड सरेंडर ऑफ द टेरिटरी। बट 2004 में अमेंडमेंट आया जिसके बाद इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड किया गया कि कोई भी ऐसी चीज जो टेररिस्ट एक्ट को भारत में करती है या उस तरफ मोटिवेट करती है तो उसको भी UAPA के अंदर डाला जा सकता है, उन ऑफेंसेस को भी UAPA के अंदर डाला जा सकता है। UAPA के अंदर कोई भी ऑफेंस को डालने का पुलिस या फिर जो आप कह सकते हो कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं NIA जो इसकी जांच करती है, उनको फायदा क्या होता है, तो आपको 180 दिन तक बिना चार्जशीट फाइल किए हुए उस बंदे को अपने पास रखने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप उसको डिटेन कर सकते हो, आप उससे पूछताछ कर सकते हो और विदाउट चार्जशीट फाइल किया आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, ये यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी चीज लगे जो लगे कि अनलॉफुल है भारत के हिसाब से, तो वो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये चीज भी अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आएगा। UAPA के अंदर जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो है डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजमेंट, तो यहाँ पे दोनों ही चीज दी जा सकती है इस एक्ट के थ्रू। गाइज आगे बढ़े उससे पहले क्लैट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि क्लैट UG, क्लैट LLM, क्लैट PG जिसको क्लैट LLM बोला है, DU LLB या पंजाब यूनिवर्सिटी का 5-ईयर लॉ, इन सभी के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं जिनमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग अवर ऐप फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, या फिर जो लोग डेस्कटॉप से देख रहे हैं वो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को और इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। GK बूस्टर कोर्स जिसमें हम पूरा GK कवर कराएंगे क्लैट का, लीगल कोर्स जो है क्लैट का वो पूरा लीगल कवर कराएगा, दोनों का कंबाइन कोर्स भी है,
एलएलएम का कोर्स हमारा ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रहा है, 3 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं इसके, तो क्लैट एलएलएम की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसमें अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। ड्यू एलएलबी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके 2 बैच हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, 50-50 बच्चों के, आप उसमें अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। एंड पीयू के लिए हमारा 1 बैच चल रहा है जिसमें आप अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन ऐप के इन आप हमारे ऐप पे या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2019 में कुछ अमेंडमेंट आए थे इसके अंदर, वो क्या आए थे, उसमें मेजर अमेंडमेंट जो था ना मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। पहले यूएपीए के अंदर ना गाइस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया जा सकता था कि भैया ये फला ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है, टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, और इस फला ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर डाल के बैन कर दिया जाए या कुछ इस तरीके की चीजें उसके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू कर दिए जाएं। फिर होता क्या था, इसको आप ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए कोई एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कोई ए नाम का बंदा था, एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया, बट ये जो ए नाम का बंदा है ये बाहर निकल के इसने वाई नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब भैया बंदा तो वही है ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन दूसरे नाम से रन करने लगी, तो ये समस्या आ रही थी जिसके चलते हुए 2019 के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट डेजिनेट किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा और भी कुछ इसमें चेंजेस किए गए थे, वो ये किए गए थे कि जो मतलब पहले होता था कि एनआईए के अंदर जो है ना एक स्पेसिफिक पोजीशन के लोग ही जांच कर सकते थे, बट फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ओपन कर दिया गया जिससे कि लोगों की शॉर्टेज ना हो एनआईए को जांच के लिए। जो दोज थिंग्स आर दैट मच नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है ना वो ये है जो मैंने आपको बताया है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को करते थे, अब टेररिस्ट को, इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी अलाउ कर दिया गया है 2019 अमेंडमेंट के बाद। इसके बाद देखो इस लॉ का ना काफी ज्यादा आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म क्यों होता है, सबसे पहले कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जो है ना बहुत वेग है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट कर रखी है सरकार ने अपने हिसाब से। आप कभी देखते हो यूएपीए जेएनयू के स्टूडेंट्स पे लगता है, कभी आप देखते हो कहीं और लग जाता है। तो इसमें जो टेररिज्म को प्रमोशन जो है ना, जैसे एक बात है टेररिज्म को प्रमोट करने की बात करी जा रही है कि अगर करोगे तो यूएपीए जो है आप पे लगेगा, तो ये टेररिज्म की जो डेफिनेशन है ना बहुत वेग है। ऐसा जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपने फिक्स नहीं बता रखा है, आप इसमें कभी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लेते हो, जर्नलिस्ट को इसके अंदर अरेस्ट कर लेते हो, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को भी आप कभी कभी यूएपीए लगा के वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करते हो, तो ये सब क्रिटिसिज्म इसका लोग करते हैं। दूसरा क्या है कि भैया गवर्नमेंट को ये पावर मिली हुई किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर सकता है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, क्या पता वो अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रही हो, किसी गवर्नमेंट को उससे दिक्कत हो तो उसको पूरा का पूरा बैन कर दिया जाए। फिर 180 दिन तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको विदाउट चार्जशीट फाइल किए जो है अरेस्ट करा जा सकता है, और पुलिस कस्टडी जो है वो इसके बाद भी बढ़ सकती है, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिला। तो डिटेंशन भी हो सकता है, पुलिस कस्टडी 30 दिन की मिल सकती है, समझ में आई आपको बात। इसके अलावा बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, एंटिसिपेटरी बेल बेसिकली गाइस एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हमें देखने को ये मिलता है कि जब आप अरेस्ट होने वाले हो, जैसे मुझे पता है कि कल मेरे अगेंस्ट में केस फाइल हो सकता है और मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। आप इसको आर्यन खान के मामले से समझ लो कि आर्यन खान को पता था कि वो कल अरेस्ट हो सकते हैं, तो वो आज ही जाके कोर्ट में बेल ले आए, इसे एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं, मतलब एंटिसिपेट करके पहले ही बेल लेना, इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। और बेल क्या होती है, जब आप अरेस्ट होने के बाद बेल लेते हो, तो यहाँ पे बेल एंटिसिपेटरी बेल तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है जब यूएपीए लग जाता है किसी भी इंसान के ऊपर। और यहाँ पे ये कि आप स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है गवर्नमेंट, मतलब क्लोज डोर हियरिंग कर सकती है, एविडेंस उसमें मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्योंकि जब सामने आ ही नहीं रही हैं चीज़ें तो पता ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं से काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है कि एक जो सबसे मेजर क्रिटिसिज्म इसका आपको देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि अलग अलग सरकारें इसको अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करती हैं कभी कभी, तो ये भी देखने को मिलता है। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज हमारा आज का सेशन, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमने पहले देखा टाडा एक्ट था, पोटा एक्ट था, उसको बदल दिया गया, फिर हमने इस एक्ट के बारे में देखा, फिर हमने इसकी कुछ क्रिटिसिज्म देखे। और फिर से मैं बोलूँगा अगर आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करिए, जाके कोर्सेज को परचेस करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए सेशन के पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।